नमस्ते, मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख पुणे के यहाँ से। हमने एक साल पहले वैद्य राघव गोखटे सर के जन्मदिन के ऊपर विद्धकर्मा एज इट इज सीरीज शुरू की थी। अभी एक साल हो चुका है। ये पूरे एक साल में हमने जैसे वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने वाली जो चिकित्सा है, आयुर्वेद में इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली जो चिकित्सा है, आयुर्वेद में सद्देशुलहर जो चिकित्सा है, आयुर्वेद को अगले पड़ाव में लेके जाने वाली जो चिकित्सा है वो है विद्धकर्मा। अग्निकर्म और विद्धकर्म, इसका इस्तेमाल अब पूरे दुनिया में आयुर्वेदिक वैद्य कर रहे हैं। ये एक्यूरेसी से होना चाहिए था, ऐसे वैद्य राघव गोखटे सर का कहना था। जब 2015 में वैद्य गोखटे सर नहीं रहे, उनके बाद जब मुझे वैद्य राघव गोखटे सर का काम करने का अवसर मिला, तब कष्ट बहुत थे, कठिनाई बहुत थी। आयुर्वेद के ही लोग विद्धकर्म को आयुर्वेद का है क्या ये प्रश्न पूछते थे। धीरे धीरे सब बदल गया है। अभी ये 7-8 साल में आयुर्वेद अलग ऊंचाई पे है। कहीं पे भी भारत में चिकित्सा देखिएगा, आयुर्वेद के नए छात्र, नए विद्यार्थी विद्धकर्म का इस्तेमाल करते ही हैं। पुराने लोग भी विद्धकर्म को समझने लगे हैं और विद्धकर्म का आयुर्वेद में जो महत्व है और प्रैक्टिस में जो इसको इसकी स्पीड मिलती है उसके पीछे सब आ रहे हैं। इसका सारा श्रेय वैद्य राघव गोखटे को जाता है। वैद्य राघव गोखटे सर ने हमें विद्धकर्म सिखाया, अग्निकर्म सिखाया। वो शल्य कर्मज्ञ थे, सर्जन थे। और सर्जन कभी भी हवे में बातें नहीं करता है, वो प्रैक्टिकल दिखाता है। और प्रैक्टिकली बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध कर, इसके हिसाब से सारे अनुभव को पेश करता है। अब ऐसा सर्जन होते समय सर ने सारी बातें विद्धकर्म और अग्निकर्म की एविडेंस बेस्ड हमें बताया है। ये साल की उपलब्धियाँ बहुत अच्छी तरह से थी। हमने इस साल में पूरे भारत देश में और भारत के बाहर भी इंटरनेशनल भी व्याख्यान किए पूरी तरह से। 112 के ऊपर हमने 112 बार ये विद्धकर्म और अग्निकर्म लोगों के सामने पेश किया है, आयुर्वेद डॉक्टर के सामने पेश किया है, 2 बार एलोपैथी के डॉक्टर के सामने पेश किया है और इसको अलग तरीके से रिसर्च बेस में लाया है। अभी तक कम से कम 100 के ऊपर वैद्य इसमें पीजी कर रहे हैं, 12 इसमें पीएचडी चालू है जिसमें हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे ये कहना है कि आयुर्वेद जो समझा जाता था कि पुराने तरीके से ही चलता है, ऐसा नहीं है। जो लोग कहते हैं आयुर्वेद एक सुडो साइंस है, आयुर्वेद एक हॉक्स है, आयुर्वेद से कुछ होता नहीं है, प्लीज़ एक बार हमारे ओपड़ी में आके देखिएगा रिजल्ट कैसे आते हैं। कोई भी आयुर्वेदिक विधान छोड़ के हम चिकित्सा नहीं करते। मुझे यही कहना है, आयुर्वेद बदला है, बदला नहीं वही है लेकिन नए रूप से सामने आ रहा है। लोग चाहते थे कि एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद आगे आना चाहिए। अब इतने सारे रिसर्च हो रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग जगह पे इसका हमें फ़ायदा मिल रहा है और इनका उपयोग ह्यूमैनिटी को हो रहा है। हमने देखा है कि कार्डियक ब्लॉकेज तक आयुर्वेद काम करता है, पहले से काम करता था लेकिन लोग मानते नहीं थे। हमारी संस्कृति कैसी है, हम हमारे माता पिता के पैर छूते हैं, और यूरोपियन संस्कृति कैसी है, वो पैर छूने को गंदा मानते हैं और उनको हगिंग पसंद है। हम हमारे माता पिता के चरणों में रहते हैं क्योंकि हमारे भाव है। आयुर्वेद के प्रति भी हमारा ऐसा ही दृष्टिकोण है। आयुर्वेद ये वेद है, शास्त्र है जिसको हम सर पे लेके घूमते हैं, और ये हमारी भावना भी है, शास्त्र भी है, और लोगों के लिए ये आयु का वेद है, आयुष्य देने वाला वेद है। और इसका ही एक पार्ट विद्धकर्म और अग्निकर्म अलग प्रकार से हम लेके आते हैं। अभी तक कम से कम 2500 से 3000 विद्यार्थी प्रैक्टिस में बैठ चुके हैं। अभी ऐसा होता है कि अलग अलग भारत में से अलग अलग वैद्य आते हैं, उनके साथ पेशेंट के भी फ़ोन आते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम हमारी ही खुद की प्रैक्टिस के पीछे है, नहीं, हम सारे विद्यार्थियों की प्रैक्टिस, इससे फ़ायदा होता है प्रैक्टिस में। पेशेंट कहीं का भी हो, दिल्ली का हो, कोलकाता का हो, कर्नाटक का हो, वो जब फ़ोन करते हैं हम डायग्नोसिस करके वहाँ पे जो विद्धकर्म अग्निकर्म वाला विद्यार्थी है वो चिकित्सा करता है। ये अभी पूरे भारतवर्ष में हुआ है। पिछले महीने में जब मैं नेपाल गया था, वहाँ पे
नेपाल सरकार ने सत्कार किया कि ये आयुर्वेद को हम इतना आगे लेके जा रहे हैं। मुझे कहना यही है, आयुर्वेद इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रहा है, इस साल भी इंडिया के बाहर ही प्रेजेंट करने जाना है। तो विद्धकर्म और अग्निकर्म जो पहले हमारे ही कॉलेज के लोग या हमारे ही जो सीनियर लोग हैं इसको मानते नहीं थे, अभी ये सब लोग प्रैक्टिस करते समय इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समझना यही बात है कि फ्यूचर देखना चाहिए। हमने जब ये विद्धकर्म अग्निकर्म वैद्य राघव गुप्ते सर का शुरू किया था तब यही भावना थी कि सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक को इसका फायदा हो और जो भारत में रुग्ण है, मानव जाति है, इसको ये हार्मफुल जो ड्रग्स है उससे छुटकारा मिले और कोई अल्टरनेट ऐसा साइंस एविडेंस बेस्ड चिकित्सा मिले, ये हम सोचते थे, जिसमें विद्धकर्म और अग्निकर्म अप टू डेट आती है। ये करते समय हम कुछ प्रमोटेड, हम प्रमोटेड नहीं कहेंगे, हम प्रोत्साहन देने के लिए कुछ पुरस्कार भी देते हैं। हमने पिछले 2 साल में युवा वैद्य पुरस्कार दिया है गुप्ते सर के नाम के ऊपर, अनघा गुप्ते सर के मैडम के नाम के ऊपर भी हमने पुरस्कार देना शुरू किया है। जो अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, जो केस प्रेजेंट करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से भारतीय शास्त्र आगे लेके जाते हैं, ऐसे लोगों को भी हम पुरस्कार देते हैं। 1 लाख तक पुरस्कार है। तो ये सारे पुरस्कार कैसे कैसे मिलते हैं, हमारी जो वेबसाइट है वैद्य gogute.org, इस पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप भारत में या भारत के बाहर कहीं पे भी हो, आप ये पुरस्कार के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ सिर्फ चिकित्सा का अनुभव, चिकित्सा ही सब कुछ नहीं है, चिकित्सा के पीछे निदान भी है और ये निदान ग्रंथ में अलग अलग तरीके से छुपा है। हम आयुर्वेद का एक पार्ट विद्धकर्म और अग्निकर्म ले ही रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद बहुत अथांग है। समुंदर से हम चमचा निकल के बता रहे हैं और समुंदर भी बहुत बड़ा है, इसीलिए वो समुंदर का ज्ञान आयुर्वेद में जो है वो हमारे विद्यार्थियों को मिले, इसलिए हमने वाग्भट वाचन भी शुरू किया है। हर सुबह हम वाग्भट वाचन प्रोग्राम में अष्टांग हृदय पढ़ते हैं, अभी चिकित्सा स्थान तक पहुँचा है। और जो प्रैक्टिकली जो कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली जो योग है आयुर्वेद में, जो अद्भुत दवाई आई है, अद्भुत योग आए हैं जिसका ह्यूमैनिटी को फायदा होगा, वो हम एक्सप्लोर करते हैं और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं और वो बोलते हैं कि हमें इसका प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा हो रहा है। मैं खुश हूँ कि ये सारी बातें हम कर पा रहे हैं। ये 1 साल में हमने कई सारे पेशेंट चेक किए, 50,000 से भी ज़्यादा पेशेंट पर हमने काम किया है, 78,000 के ज़्यादा हमने निडल का इस्तेमाल किया है। हमने पूरे 1 साल में 1,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को शलाका गिफ्ट की है, जो हम वैद्य गोगटे शलाका ऐसा उसको नाम देते हैं। 1 साल में हमने कम से कम 2,500 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी है, जो पूरी तरह से फ्री है। हम किसी को वो गोगटे सर कभी भी पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे। इस साल गए लास्ट ईयर में 2023 में वैद्य राघव गोगटे सर के पुण्यतिथि के ऊपर हमने कार्यक्रम लिया, जो हर साल लेते हैं। 2 साल पहले हमने मानस विकार को एक्सप्लोर किया था, पिछले साल हमने इन्फर्टिलिटी को एक्सप्लोर किया है। इन्फर्टिलिटी कैसे ट्रीट करनी चाहिए एक अलग एंगल बताया है। सब जगह इन्फर्टिलिटी की चिकित्सा है, लेकिन इसमें स्पीड कैसे लाना है और विद्धकर्म कैसे स्पीड देता है ये हमने बताया है। जॉइंट में, स्पाइनल डिसऑर्डर में हम काम करते ही हैं। हमारे जो छात्र है, हमारे जो विद्यार्थी, अभी वो विद्यार्थी नहीं रहे हैं, वो अभी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बन चुके हैं, उन्होंने ज्ञान विज्ञान पत्रिका निकाली, उसको भी हम लोगों तक लेके जाते हैं। उसमें भी हमने विद्ध अयन शुरू किया है और ये विद्ध कर्म के अलग अलग जो लेख्स है वो हम उसमें डालते हैं। आज भी थोड़ी सी ये खंत है कि आरंभ शुर जब विद्यार्थी होता है, आरंभ शुर जब डॉक्टर होता है, तो वो पॉइंट्स के पीछे जाता है, वही खंत है। क्योंकि विद्धकर्म चिकित्सा है, पॉइंट्स की चिकित्सा नहीं है। नहीं तो क्या होता, शरीर में हम पॉइंट्स दे देते और उस पर घर पे ही पेशेंट करता और रिजल्ट आ जाता, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ हरित की अगर कोई औषधालय से खरीदेगा,
या हरित की कोई यूट्यूब पे पढ़ के देखेगा, या कोई अनुभवी वैद्य हरित की देगा, और कोई सेकंड ईयर का छात्र हरित की देगा, तो हरित की हर व्यक्ति हर वही व्यक्ति में हरित की अलग अलग तरीके से काम देगी। देने वाला कौन है उसके हिसाब से काम होगा। आयुर्वेद में पैरासीटामोल जैसा नहीं है, पैरासीटामोल दे दी और हर एक को एंटीपायरेटिक रिएक्शन मिल गए, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में देने वाले के कर्म आ जाते, दोष आ जाते, गुण आ जाते हैं और भावना आ जाती। इसीलिए अड्ढ रोगी भिषक वशो ज्ञापको सत्ववानोपी, रुग्ण कैसा होना चाहिए वो बताया गया है कि अड्ढ रोगी भिषक वशो, वैद्य के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें आयुर्वेद में बहुत तरीके से बताई गई हैं। इसीलिए हम एक्यूरेसी के पीछे जाते हैं, और ये एक्यूरेसी के पीछे जाते समय ही ये विद्य कर्म एज इट इज सीरीज का ख्याल आया, क्योंकि देखते थे कई जगह पे बहुत सारे पैसे लिए जाते थे, जो हमें कभी पसंद नहीं था गोगटे सर को, लेकिन वो अलग बात है। एक्यूरेसी में सिखाना ये नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था, किधर भी विद्य करना, किधर भी टोचना, इसको विद्य कह रहे थे, ड्रायल नीडलिंग कह रहे थे। तो एक प्लेटफॉर्म की बहुत आवश्यकता थी, जहाँ पे कि ये हमेशा एज अ आइडियल सोच देखने के लिए मिले। इसीलिए हमने विद्य कर्म एज इट इज़ की सीरीज की शुरुआत की थी। प्रथम एपिसोड में हम ऐसा कह रहे थे कि हम हर हफ्ते में, हर महीने में दो तीन चार लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन इनिशियली दैट वाज वेरी इजी। लेकिन अभी बताते समय इतना ये बढ़ चुका है, तो हमें हर पेशेंट दिखाते समय या हमें कंसेप्ट सिखाते समय पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमसे चूक होती है तो आयुर्वेद से चूक होगी, वो हम नहीं चाहते। इसीलिए थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा लाने के लिए थोड़ा सा समय आता है वीडियो में। दूसरी बात है कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो रहा है। जैसे हम गए थे नेपाल में, वहाँ पे आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर था इंटरनेशनल, वहाँ पे मॉडर्न के इक्विपमेंट और आयुर्वेदिक औषधि का रिसर्च हो रहा था। वैसे ही हम यहाँ पे पुणे में हमारे जो विद्यकर्म अग्निकर्म के सेंटर्स है, संशोधन केंद्र है हमारा, वहाँ पे हम इसका संशोधन करते ही हैं, छोटे बच्चों में, मानस विकार में, इन्फर्टिलिटी में, अलग अलग तरीके से इसका जो हमें प्राथमिक अनुभव आता है तो उसका संशोधन चलता है, रिसर्च होते हैं, रिसर्च पेपर आते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। इसमें सारे जो वैद्य है प्रैक्टिस करते हैं उनका हेल्प होना ही चाहिए। दूसरी एक बात है, जो नॉन आयुर्वेदिक लोग हैं वो कोई भी हो, आयुर्वेद को कम ना समझे। आयुर्वेद ये बच्चों की चीज़ नहीं है। कोई भी उठेगा और आयुर्वेद के बारे में बोलेगा, वैसे तो हमारे इंडिया में जितने पॉपुलेशन है जितना, वो सब डॉक्टर खुद को समझते हैं और खुद की सलाह, खुद का दिमाग लगाते। लेकिन ये विद्यकर्म अग्निकर्म शल्य तंत्र का पार्ट है, इसको अनुशास्त्र कहते हैं, तो ये नॉन आयुर्वेदिक लोगों को समझ में आएगा नहीं। विद्यकर्म करोगे, टोचोगे, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी रहेगी। ये हमारा वैद्य राघव गोगटे फाउंडेशन और ये चैनल उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि ये विद्यार्थियों को आयुर्वेद के जो भी डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए है, कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है। अगर कॉमन पब्लिक के लिए है तो बाकी सारे वीडियोज उसमें आते हैं, लेकिन प्रोसीजर्स है वो एक्यूरेसी के लिए हम आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए ही बनाते हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो रहा है, सारे वैद्य जब इंटरनेशनली मिलते हैं, डॉक्टर्स है जो मिलते हैं, इसके बारे में क्यूरियोसिटी लेते हैं, क्योंकि अभी पेन किलर जैसे, एंटीबायोटिक जैसे, क्योंकि एंटीबायोटिक से जनरेशन अब ख़त्म हो गया, नई जनरेशन नहीं आ रही है, और जो भी अवेलेबल है उसका रेजिस्टेंस बन गया है। वायरल बीमारी है और एंटीबायोटिक दिया जाता है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालने से जो नुकसान होगा वही लोगों में दिख रहा है। अभी वही एंटीबायोटिक्स जो है रेजिस्टेंस बन चुके हैं और रिजल्ट नहीं दे रहे, इसलिए पेशेंट की जान जा रही है। तो ये सारी बातें तो अलग हैं, लेकिन जब आयुर्वेद की बात आती है तो आयुर्वेद में गुण के हिसाब से देखा जाता है, व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से देखा जाता है, व्यक्ति का बल, हेतु, लिंग, अभी तक का उसका व्याधि का संप्राप्ति, जैसे व्याधि बढ़ा है, ये सारी बातें देखी जाती है। और ये जब तक हम संप्राप्ति भंग नहीं करते तब तक पूरी चिकित्सा नहीं होती। संप्राप्ति यानी कि व्याधि
कैसे प्रोग्रेस हुआ है, उसका रूट कॉज क्या है, ये देखा जाता है। ऐसा नहीं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। आयुर्वेद में बहुत सारी चिकित्सा है, तो वही उसका ही एक पार्ट ये विद्धकर्म अग्निकर्म हम बताते हैं। अभी तक 16 एपिसोड हो चुके हैं, इन एपिसोड में हमने अलग अलग तरीके से बताया है विद्धकर्म का, हमने आयुर्वेदिक रेफरेंस ये क्या है, ये कैसे किया जाता है, इसमें योग्याभ्यास कैसे करना है, जो हम हमारे विद्यार्थी यहाँ पे करते हैं वो हमने दिखाया था। उसके बाद में ये करते समय मर्म का महत्व, शरीर की रचनाओं का महत्व, अलग अलग विद्ध कर्मों में महत्व जो आता है एक्यूरेसी का, वो हमने बताए थे। उसके बाद में हमने एपिसोड में व्याधि भी लेना शुरू किया था। उसके बाद में हमने हमारा अब सीजन्स बदल गया है, सीजन्स 2 आ रहा है और उसमें 17वें एपिसोड से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये करते समय हमने हर व्याख्यान में हमने वैद्य राबो गोक्टे सर के जो लेख है उनको भी हमने लेना शुरू किया था। जैसे पिछले विश्वाची हमारा रेडिकुलोपैथी में हम जब इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमने धमनी विद्ध और स्त्रोतोस इनका विचार हमने शुरू किया था। धमनी और स्त्रोतो विद्धता ये हमने बताया था। देखिएगा ये विद्धकर्म एज इट इज सीरीज शुरू करते समय मेरा अकेले का दिमाग 12 साल का नहीं है, हमारे सर का एक्सपीरियंस जो 60 साल का है उसमें 12 ऐड करके 72 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हम एज इट इज सामने रखते हैं। तो कुछ नए वैद्यों को ये हीवी हो जाएगा, सर के ऊपर जाएगा, ऐसा लगेगा कि अरे यार ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये हम ऐसे वीडियोज़ है, ये अगर हम बार बार देखते हैं तो ही उसका हमें जाके समझ में आ जाएगा। ये सूत्र के हिसाब से हम बता रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से सोच के आप रुग्णों में चिकित्सा दे सकते हो। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में जो हमारा 16वां एपिसोड था उसमें हमने धमनी और स्त्रोतो विद्धता जो वैद्य राबो गोक्टे सर का जानवरी 1999 में लेख पब्लिश हुआ था, श्री धन्वंतरी मासिक में ये लेख आया था। तब के लेख बहुत सटीक से लिखे जाते थे कट करो लागे तब के लेख बहुत सटीक तरीके से लिखे जाते थे। आजकल लेख बहुत सिर्फ पीजी स्टूडेंट का एक टॉपिक बन गया है प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन जब वैद्य राबो गोक्टे सर लेख लिखते थे तब शब्द ना शंप शब्द इम्पोर्टेंट था। तो जिसका नाम था धमनी और स्रोतोविद्धता और एक सत्य मीन्स क्या है। हम देखते हैं विद्या कर्म में हम शिराव्यात करते हैं, शिराव्यात करते समय अलग अलग प्रकार से शिराव्यात की जाती है, कभी निडल से सूची से किया जाता है, आरा से किया जाता है, शस्त्र से किया जाता है, अलग अलग उसमें हमें इंस्ट्रूमेंट आए हैं। लेकिन ये करते समय शिराओं का व्याध है और ये शिराव्याध अध्याय ही है, शिराव्याध अध्याय व्याख्या श्यामा। अब शिराव्याध अध्याय है तो शिरा महत्व है, शिरा कितनी है, 700 शिरा होती है और वो रस वातव शिरा, पित्तव शिरा, कफव शिरा और रक्तव शिरा, ऐसी अलग अलग तरीके से शिरा होती है, उसमें वेद्य शिरा भी अविद्य भी शिरा ऐसी है। तो इसमें वो शिरा का हम वेदन कहते हैं, धमनश्च विशुद्धन्ति दुष्ट रक्तत्वाच्च आशा, ऐसा बताया गया है। हम शिराव्यात करते हैं जो हृदय से बहुत दूर है, तो धमनश्च विशुद्धन्ति जो धमनी जो है हृदय से निकलती है, ऑर्गन के नज़दीक होती है, उनका शोधन होता है। तो ये हमें ऑर्गन के डिसीज कम करने में बहुत अच्छी तरह से हमें गाइडलाइन मिलती है। इसी के बारे में ये लेख था जो मैंने आधा पिछली बार पढ़ा था, मैं अभी आधा पढ़ूंगा। देखिएगा ऑर्गन रीजनरेशन के बारे में आयुर्वेद बताता है, यकृत है अपने आप रीजनरेट होता है। अगर किसी ने हमारा लीवर किसी को डोनेट किया है, उसमें से 90% पार्ट डोनेट किया है, तो उसका बाकी का लीवर अपने आप रीजनरेट होता है, इतनी क्षमता शरीर में रहती है। और ये क्षमता रीजनरेशन की क्षमता रक्त की होती है, इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि प्रीणनम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्णे, हमारे सप्त धातु का कर्म बताते समय जीवन, ये कर्म जीवन मीन्स लाइफ यानी जो भी डेड पार्ट है उसको रीजनरेट करना, ये कर्म रक्त का बताया गया है। और रक्त का स्थान यकृत में होता है, लीवर में होता है रक्त का स्थान, इसीलिए जब लीवर काटा जाता है, लीवर डोनेट किया जाता है, डोनेट किए वाले व्यक्ति का लीवर पूरी तरह से अपने आप अच्छी तरह से बन जाता है। तो ये महत्व है वहाँ का रक्त का, जीवन कर्म का। अब जीवन कर्म करना है तो सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, अगर वो हैम्पर हो गया तो क्या होगा,
जीवन कर्म अच्छी तरह से नहीं होगा। इसीलिए ऑर्गन फेल्यूर के हमें केसेस मिलते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक फेल्यूर का हमें आजकल मिलता है। पैनक्रियाज की जो टेल है, जैसे कि डायबिटीज़ है, अगर वहाँ पे उसके सेल्स डेड हो गए हैं तो क्या होता है, उनका जो काम है इंसुलिन प्रोडक्शन करना, वो इंसुलिन प्रोडक्ट नहीं होगा, इसीलिए हमें डायबिटीज जैसे व्याधियाँ मिलती हैं। तो ये सारे विकार जो है रक्त के माध्यम से आती है। हम चिकित्सा करते समय हमने वमन किया, विरेचन किया, दोषों के अनुसार चिकित्सा की, गुण के अनुसार चिकित्सा की, फिर ऐसे व्यक्ति में रिजल्ट नहीं आ रहे। तो सुश्रुत संहिता में कहा गया है ये सारे विकार जो है रक्त प्रदोषज रहेंगे, रक्तज निमित्ता रहेंगे। तो इसमें ऐसे व्यक्तियों में शिराव्यात करना है। शिराव्यात करोगे तो धमनिश्च विशुद्धन्ति दुष्ट रक्तत्वाच्चाय अशा, ऐसा कह के आगे बताया गया है। तो यही का एक दूसरा पहलू जो है स्त्रोत विद्धता और धमनी, ऐसा ये लेख था जो मैंने पढ़ा था, पिछले से कंटिन्यू करता हूँ। अब गृहिणी में आए थे हम। गृहिणी रोग के कारण कारण बताते समय अभोजन, अति भोजन, असात्म भोजन, ऐसी बहुत सारी कारण दिए हैं, अलग अलग प्रकार के हेतु दिए हैं। लक्षण भी, लक्षण में क्या दिया है, गृहिणी विकार के लक्षण में छर्दी दी है, अरोचक दिया है, अविपाक दिया है, ऐसे बहुत सारे जो मल्टी सिस्टेमिक लक्षण हमें दी है। और मूलमिति प्रभाव स्थानम, ऐसा चरक संहिता में कहा है। वैद्यराबो गोप्ता सर कहते हैं कि चरक विमान स्थान में 5-16 में मूलमिति प्रभाव स्थान। अब मूलोपघात, यही मूल पे आघात हो गया तो वृक्षानाम इव धमनी नाम महानुपाघातो भवति इति ज्ञेयम्। पचति अग्नि यथा स्थाल्यम ओदन आम्बुल तंडुलम। अब देखिएगा, ये मूल पे आघात हो गया, गृहिणी पे आघात हो गया तो महानुपघातो भवति, शरीर में बाकी सारे अवयवों का आघात हो जाएगा। इसीलिए इसको काय चिकित्सा कहते हैं। काय मीन्स अग्नि, अग्नि जो गृहिणी में है, अगर वही दुष्ट हो गया, वहाँ पे आघात हो गया तो पूरा शरीर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरे सिस्टम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसीलिए इसको काय चिकित्सा कहते हैं। काय मीन्स अग्नि, और जो हमारे शरीर में अग्नि है उसकी अगर हम चिकित्सा करते तो अच्छी तरह से काम होगा। अब जैसे बताया गया है कि जो पेड़ है, पेड़ का जो पोषण है उसके मूल से होगा, वो मूल अगर वीक हो गए, वो दुर्बल हो गए, विकृत हो गए, उसमें आघात हो गया है, तो जो पर्ण है, फूल है, फल है और जो ब्रांचेस है वो खराब हो जाएगी, निकल जाएगी, ऐसा होता है और वो वृक्ष का मृत्यु होता है। उसी प्रमाण से स्त्रोतो मूल के ऊपर अगर आघात हो गया है तो स्त्रोतो मूल स्थान में जहाँ पे धमनी बताई गई, जो धमनी है टीकाकारों को वही बताना है कि जो धमनी है वो अनेक जगह पे बताई गई है, इसीलिए अगर ये धमनी पूरी तरह से स्रोतो विद्ध की वजह से अगर धमनी टूट गई है तो समझ लेना रक्तस्राव से मृत्यु ही आ जाएगी। किसकी मृत्यु आ जाएगी, वो स्रोतस की आ जाएगी और उस स्रोतस के रिलेटेड अवयव की आ जाएगी। हम एग्जांपल लेते हैं पैनक्रियाज अवयव का, इसके ही ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। पैनक्रियाज अगर वहाँ पे आघात हो गया और किसी ब्लंट ट्रोमा की वजह से पैनक्रियाज दुष्ट हो गई तो रक्त का काम तो है वहाँ पे पुनर्जीवन देना, वहाँ पे हीलिंग करना, हमें जैसे जख्म होती है, लेकिन अगर वहाँ पे उसको वही अवयव को सप्लाई करने वाली धमनी पे आघात हो गया तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से वो अवयव नष्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, इसी लिए स्रोतोविद्ध ना करना कहा गया है और इसीलिए वो स्रोतोसों को कंट्रोल करने वाले शिराओं का वेदन कर्म कहा गया है। जैसे कि हम क्षिप्र मर्म के ऊपर दो अंगुली वेदन कर्म करते हैं वात रक्त जैसे व्याधि में। वात रक्त मीन्स क्या है, वायु और रक्त दुष्ट है और रक्त पूरे शरीर में है, और ऐसा वात रक्त अगर शरीर में दोष उत्पन्न हो के शरीर में व्याधि उत्पन्न कर रहा है, वो आँख की हो या पैर की हो या हमारे स्प्लीन की हो या हमारे अवयव की हो, पैनक्रियाज की हो, अगर व्याधि उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पे विद्या नहीं करना है, क्षिप्र मर्म के ऊपर दो अंगुली करना है, क्योंकि वहाँ पे सिरा है और सिरा वेद करने से धमनिश्च विशुद्धन्ति ऐसा होगा और जो स्रोतो विद्या के हमें लक्षण दिख रहे वो हमें ठीक होते हुए नज़र आते हैं प्रैक्टिकली। ये बहुत गहरी सोच है, इस पर हमें काम करना चाहिए। इस धमनी को, स्रोतो मूल को प्राण प्रमाण के भी संकोच हो गया, प्रमाण से भी संकोच हो गया तो व्याधि उत्पन्न होते हैं। जैसे
हम हार्ट देखते हैं, हार्ट में जो ब्लड वेसल्स है उसमें थोड़ा सा ब्लॉकेज आ रहा है 50% भी, तो वो हार्ट में दोष उत्पन्न करता है और वो हमारा हृदय है पूरी गति से जैसे काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। इतने डेप्थ तक हमें वो श्रुतोविद्ध का हमें विचार करना होता है। संप्राप्ति भंग करने के लिए हमें ये सारी बातें काम में आती हैं। अभिघातजन्य जब विकार आते हैं तब धमनी तो दुष्ट होती ही है और मृत्यु आता ही है, तो अब ये बचाने के लिए हमें बहुत सारी चिकित्सा मिलती है। जैसे मांस स्नायु अस्थि शिरा संधि मर्मोसु विद्धा रुजा शोपम वैकस्त मर्मन मरणम अपादयाति, ऐसा बताया गया है। सद्योवरण चिकित्सा अध्याय में चिकित्सा स्थान में 2/12 में बताया गया है। कोष्ठस्थ अवयव आए है, मल प्रवृत्ति न होना, मूत्र प्रवृत्ति न होना, वायु न निकलना, स्वेद प्रवृत्ति न होना, अति स्वेद प्रवृत्ति होना, रक्त नेत्रता, मुख को नासा में अलग प्रकार के गंध आना, ऐसे अलग अलग हमें आमाशय और पक्वाशय के विद्ध में हमें लक्षण मिलते हैं। प्रैक्टिकली आघात होने के बाद लक्षण मिलते हैं, लेकिन अगर हमेशा आघात नहीं हुआ है और दोषों की वजह से अगर वो अवयव दुष्ट हो रहे तो इसके प्रमाण से हमें कमी लकम लक्षण मिलते हैं। जैसे ग्रंथ में बताया गया है कि सद्य प्राण हर मर्म है, उस पर आघात हो गया तो तुरंत मृत्यु आ जाएगी, लेकिन वो आघात कम हुआ है तो वो सद्य प्राण हर मर्म पे आघात कम होने के बाद मृत्यु नहीं आएगी तो वैकल्यकर जैसे लक्षण दिखेंगे, और कम आघात है तो रुजाकर जैसे लक्षण दिखेंगे। तो डेप्थ कितनी है आघात की उसके हिसाब से हमें लक्षण दिखते हैं मर्म के ऊपर। लेकिन अगर बड़े बड़े स्रोत जो है जैसे यकृत है, प्लीहा है, पैनक्रियाज है, उनके ऊपर आघात हो गया तो उनके व्याधि हमें दिखेंगे, लेकिन आघात नहीं हुआ, कम हो गया आघात, आघात की मात्रा कम है, या स्व दुष्ट दोषों की वजह से आघात हुआ है तो वहाँ पे हमें चिकित्सा करते समय ये विद्धक चिकित्सा जो है हमें बहुत अच्छी तरह से काम में आती है। इसका हमें जरूर विचार करना है, ये इस लेख का बहुत बड़ा आउटपुट है। जैसे कि पक्वाशय में रक्तस्राव हुआ है तो नीचे हमें लक्षण देते हैं, हमें बताया गया है कि विरेचन करना है, अलग अलग हमें जो ग्रंथ में रेफरेंसेस आते हैं उसका हमें विचार करना ये बताया गया है। तो ये जो लेख है पूरा हो गया है, और अगले लेख जो अलग अलग ऐसे विभिन्न लेख हैं हम हमारे सीरीज के इसमें पढ़ेंगे। अब भाई हमारा ये 17वां एपिसोड है, एपिसोड नंबर 70। हमने एपिसोड नंबर 16 में बताया था कि हम विश्वाची का विद्ध कर्म कर्पूर संधि के ऊपर 4 अंगुली और नीचे 4 अंगुली हमने दिखाया था। अब वही विश्वाची इसका थोड़ा सा डेप्थ में हम जाएंगे। आयुर्वेद में वात विकार बताते समय उनका पूर्व रूप हमें मिलता नहीं, क्योंकि वायु का जो अव्यक्त रहता है, अव्यक्तम लिंगम तेषा, वैसा अगर बताया है, किसी को भी वात व्याधि होता है तो उसके पूर्व रूप हमें पहले दिखते नहीं, व्यक्त होने के बाद ही दिखाई देते हैं। जैसे पेशेंट का घुटना का पेन हो रहा है या बाकी कुछ वातज विकार हो रहे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, लंबा स्पॉन्डिलिसिस है, इसके पूर्व रूप हमें दिखते नहीं, वो वैद्य को ही दिखते हैं। तो ऐसे इसमें व्यक्त होने के बाद ही हमारे पास पेशेंट आते हैं, वैसे ही इसमें पेशेंट आते हैं सर्वाइकल पैथोलॉजी की वजह से। हमें प्रैक्टिकली क्या मिलता है देखते समय, हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है, डिस्क बल्जिंग लेके आता है, वहाँ पे डिस्क के थिकनेस कम हुआ ऐसा लेके आता है, डिस्क हर्नियेशन लेके लाता है, मन का आगे गया एंट्रोलिसिस लेके आता है, हमें वहाँ पे फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रे ऐसा लेके आता है, फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रे लेके आता है, और नर्व कॉम्प्रेशन लेके आता है, कैनल स्टेनोसिस लेके आता है, ऐसे बहुत सारे आधुनिक विज्ञान के रिपोर्ट्स लेके हमारे पास रुग्ण आता है। लेकिन आयुर्वेद में ये पहले पता नहीं था क्या? हाँ, सब पता था। आयुर्वेद में अगर ओज पता है तो उनको नर्व ब्लड वेसल ये सारा पता ही था। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आयुर्वेद ऑर्गन को इम्पोर्टेंट नहीं देता है, आयुर्वेद दोषों को इम्पोर्टेंट देता है। ऑर्गन की चिकित्सा के पीछे नहीं जाता है, ऑर्गन आयुर्वेद दोषों की चिकित्सा के पीछे जाता है। जैसे कि हमें अथा तो फुफ्फुस विज्ञानम अध्याय में कैसे हम ऐसा हमें कहीं नहीं मिलेगा, हमें श्वास विकार मिलेगा, हमें कास विकार मिलेगा, हमें रक्त पित्त मिलेगा, हमें उरक्षत ऐसा हमें विकार मिलेंगे, तो ये और डेप्थ में जाता है। और उनको वहाँ पे दूषित करने वाले दोष जो है उनकी चिकित्सा साम्यावस्था लाने के लिए आयुर्वेद कहता है, जो कि मूल चिकित्सा रहेगी। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है अगर हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक की गोलियाँ दे दी और हार्ट अटैक तो कम हो गया और वो गोली की वजह से किडनी फेलियर होकर पेशेंट मर गया, डायबिटीज़ हुआ है, डायबिटीज़ होने के बाद डायबिटीज़ की दवाई ले ली, डायबिटीज़ तो कंट्रोल में है लेकिन डायबिटीज़ की गोली की वजह से आगे जाके किडनी फेलियर हो गया,
ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता। आयुर्वेद कहता है कि वो हम मूल पे चिकित्सा करेंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट ने वो ब्लड शुगर लेवल के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें बॉडी का फिटनेस की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ब्लड शुगर कम करने के लिए जो भी दवाई रहेंगे, एक्सरसाइज रहेंगे, वो सारे जो है हम करते हैं, लेकिन वो हुआ क्यों है उसके पीछे अगर हम जाएंगे तो हमें अपूर्णोद्भव चिकित्सा मिलती है। ये सारी बातें हैं। जब हम सर्वाइकल पैथोलॉजी में हम घुसते हैं, उसी लिए हमें वात व्याधि में अलग अलग प्रकार से दिया गया। आयुर्वेद को पता नहीं था, ऐसे नहीं था, आयुर्वेद को सब पता है, लेकिन आयुर्वेद सूत्र के हिसाब से देता है, आयुर्वेद एनाटॉमी के हिसाब से नहीं देता। आयुर्वेद में कभी देखने को नहीं मिलेगा डिसबल्जिंग में क्या चिकित्सा करें, आयुर्वेद में कभी दिखने नहीं मिलेगा नर्व कॉम्प्रेशन में क्या चिकित्सा करें। आयुर्वेद नर्व कॉम्प्रेशन की वजह से क्या दोष उत्पन्न हो रहे उसकी चिकित्सा बताएगा, और अगर हम दोष पे चिकित्सा करेंगे तो ये नर्व कॉम्प्रेशन, डिस्क डिजेनरेशन, ये सारे इसमें हमें पेशेंट में लाभ मिलता है, हमें दिखता है। तो ऐसे करते समय इन विकारों को आयुर्वेद में जो पेशेंट के रुग्ण के ऊपर विकार दिखते हैं उससे नाम दिए हैं। अभी क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है कि नर्व कॉम्प्रेस हुई है, डिस्क बल्जिंग हुई है, डिस्क हर्निएशन हुआ है, डिस्क डिजेनरेशन हुआ है, ऐसे हमें नाम मिलते हैं। आयुर्वेद में ये कोई भी पैथोलॉजी हो जाए, इसकी वजह से रुग्ण में जो हमें लक्षण दिख रहे उसके हिसाब से व्याधियों को नाम आए। जैसे पंगुत्व है, पक्षाघात है, विश्वाची है, गुरुद्रसी है, जैसे हमने देखा था साइटिका का पेन है, गुरुद्रसी में आया है, तो वो अलग अलग प्रकार से बताया गया है। वैसे ही अगर पैर में जो लक्षण रहते हैं, स्पीक पूर्वा कटि पृष्ठ उरु जानु जंगम पदम क्रमात, जो लक्षण है वही लक्षण अगर हमें हाथ में दिखते तो हमें वहाँ पे विश्वाची नाम का व्याधि का वर्णन आया है। अब ये विश्वाची में विद्ध कर्म कैसे करना है, हमें देखा था, क्या देखा था हमने कि जैसे रुद्रसी में था, जानू के ऊपर अधो चतुर अंगुल है, और अंतरकंडर सिरा गुल्प अग्नि कर्म बस्ती कर्म ऐसा बताया है, वही विश्वाची में लागू होता। क्योंकि अगर पैर को होता है तो रुद्रसी, हाथ को होता है तो विश्वाची। अब विश्वाची आया है तो विश्वाची मीन्स क्या है, स्पीक पूर्वा कटि पृष्ठ उरु जानु जंगम पदम प्रमाण, जो साइटिका में ऐसा पेन बता है वैसे ही इसमें विश्वाची में पीछे से आके नीचे हाथ तक पेन होगा, इसको कहेंगे विश्वाची। रेडिकुलोपैथी भी आ जाएगा, इसमें डिस्क बल्जिंग भी आ जाएगा, नर्व कॉम्प्रेशन भी आ जाएगा, इसमें डिस्क डिजेनरेशन भी आ जाएगा। तो इसमें हमें अवरोधात्मक संप्राप्ति और क्षयात्मक संप्राप्ति, ये दोनों में डिवाइड करके हमें चिकित्सा करनी होती है, और ये दोनों चिकित्सा में हमें विद्ध कर्म फायदा देता है। और विद्ध कर्म करते समय एक्यूरेट पॉइंट हमने देखे थे, क्या देखे थे कि एल्बो जॉइंट के ऊपर और नीचे चार चार अंगुली। अब ये कैसे करना है, पेशेंट जब आते हैं, अलग अलग प्रकार के पेशेंट आते हैं, इनमें कैसे करना है ये हम देखेंगे। धन्यवाद। करबल काय होते सांग, हात वर जातो जातो पण ले दुखतो, कहां पे दुखता है, कहां पे दुखता है, हित ऊपर करके दिखाओ, और कैसे दुखता है, हित संपूता सिग्य। जब वेदना है गर्दन से लेके हाथ की तरफ आती है, जैसे इन रुग्णों में ये बता रहे हैं, इसको विश्वाची कहा जाता है आयुर्वेद में। तो ये विश्वाची का विद्ध कर्म करते समय अलग अलग प्रकार से हम करेंगे, वो हम देखेंगे यहाँ पे। पेशेंट सिलेक्शन कैसे करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा विद्ध कर्म के लिए। अब ये पेशेंट की वेदनाएँ जो रेडिएट हो रही है उसके हिसाब से रहेगा। तो कहाँ से आती है हमें सारे रूट पता होने चाहिए, सर्वाइकल प्लेक्सस पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम युद्ध कर्म नहीं करते, लेकिन हमें एनाटॉमी पता होनी चाहिए। ढीले करा हाथ में उसी तरह खाली करना चाहिए, ऐसे करते समय नहीं निगत नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे गर्दन जो है सेमी फ्लेक्शन होनी चाहिए वहाँ पे, जो हमें युद्ध कर्म की जगह है ऑब्वियसली वहाँ पे गबड़ स्टेरिलाइजेशन करवा लेंगे, सर्जिकल स्प्लिट का इस्तेमाल करेंगे, ये युद्ध कर्म अगले कर्म बरवाड़ ले खुश हूं दूं डाक हम वहाँ पे कंसेप्ट भी देंगे। ये जो दिख रहा है विद्यार्थी लर्निंग के लिए है, ये घर पे जाकर ट्राई कर जाने के लिए था, हम चाहिए का जामे ना पण सोना वेगळा असते ना, जैसे हम सैक्रल प्रोमोटर को देते हैं वर्टिब्रा प्रोमिनेंस चित्र काटते हैं मानेला सरफेस मार्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्टिब्रा प्रोमिनेंस देख के ही हम एक डायग्राम निकालेंगे, एक्यूरेट नहीं है लेकिन जस्ट विद्ध कर्म समझाने के लिए मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ यहाँ पे,
और उसके हिसाब से जो नर्व पैरेलल हमें तो पीछे स्पाइन मिलता है, लेकिन डिस्क में निकाले युद्धकर्म के ट्रेपेजियस के मसल के ऊपर जैसा युद्धकर्म लेते हैं ऐसा बात है। नॉर्मल युद्धकर्म जो चक्कर था उसके ऐसा जो पॉइंट में पोजिशन ये विश्वा जी के तो पॉइंट पता है, ऐसी पोजिशन नहीं रखनी ऊपर और चार ऐसी पोजिशन भी नहीं रखनी है, ऐसे भी नहीं रखनी है, ऐसे भी नहीं रखनी है, तो सेमी फ्लेक्जन और सेमी सुपाइनेशन ऐसे ऐसी पोजिशन रखेंगे तो यहाँ से इनके खुद के चार अंगूठे यहाँ पे और यहाँ पे ये चार चार इनके अंगुली जो हमने योगाभ्यास में बताए एपिसोड 2 में और इधर से दो अंगुली ये जो इतना जो है सब पकड़ रहे इतना जो है यहाँ पे हमें विद्ध करना है। गिर गए थे क्या पड़ले होते क्या? नहीं नुस्ता सवर फड़क फेंकल ये तो वाज लो ते चमकलो मग ते ये नस मग एक सारे काढलं एवढी गॅप दाखवली ते काय म्हणले इन्होंने क्या बोला कि गिर गए थे ना हे पडक टाकलं म्हणजे असं वरती फेकलं हां ते इथं वाजलं कप्तान काय होते आघातच आहे छोटी इसमें वात रखता कारण अभी ये विश्वास के हम पॉइंट ले रहे कि जानो के अधो परि चतुरंगुली कहते तो इनके भी चतुरंगुली इनके खुद के चतुरंगुली हो गए और ये जो हमने एक फाइबर ले रहे हैं सिंपल C1 से हमने लिया है। अब ये लेने के बाद यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया है ऐसे फड़का डाला है कपड़ डाला है और उसके बाद में दुख रहा है इनको तब हम ये वात रक्त में जाता है पहले तो इसलिए हम जो क्षिप्र बताया है थोड़ा सा दूर करके ऐसा नहीं करना है थोड़ा सा दूर करके क्षिप्र अंगुली मध्य क्षिप्रम नाम उसके ऊपर जो है दो अंगुली हम वेदन कर्म करेंगे। अब ये जो वेदन कर्म रहेगा अर्धवृही चाहिए ज्यादा वृही ज्यादा डेप्थ में नहीं चाहिए अर्धवृही चाहिए। अब ये करते समय अलग था अब ये नीचे वाला विद्ध करते समय अलग पोजिशन रहेगी ये भी करते समय ये रुकने पे वेदना जो है सर्वाइकल रीजन तक ही सीमित थी। जैसे हम रुद्रस में देखते हैं ऊपर से नीचे वेदना नीचे तक जाती है पैर में स्पीक पूर्व आकटी पृष्ठ और जानो जंगम पदम प्रमत वैसे ही ये पेशेंट में वेदना जो है यहाँ यहाँ से लेके इधर यहाँ तक इधर का ठीक जैसे ऊपर का ही जो फर्स्ट फाइबर हम कहेंगे यहाँ पे विद्धा के लिए जाते हैं यहाँ से लेके गलत राइट साइड में जा रहे हैं युद्ध कर्म करते समय। अब इनमें जितना गैप होना चाहिए डिसाइड कैसे करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं तो ये वर्टेब्रे में जितना गैप है उतना ही हम आगे लेते हैं इसी तो प्रॉपर प्रोसीजर हमें एक्यूरेट मिल जाएगा। अब ये करते समय हम क्या करेंगे ये विद्या कर्म देखिएगा यहाँ पे ब्लड आया तो अवरोध दूर होता है जल्दी से पेशेंट को ठीक रखता है। अब ये करते समय पेन है ट्रेपेजियस के बॉर्डर अलग अलग रही थी ऐसे ट्रेपेजियस यहाँ तक आ जाते हैं मसल एनाटॉमी में देख सकते हैं कहाँ तक आते हैं तो ये युद्धकर्म इसके अलग अलग रहते हैं हर बार जैसे हमने ये मिडल लाइन पे किया है
फर्स्ट मसल के लिए गया है। अब मसल के तीन लेयर रहेंगे, ये भी हम आगे करते हैं, वो कैसे करते हैं बताता हूँ। यहाँ पे भी हम करते हैं, यहाँ पे भी सुप्रा स्पिनाटस मसल्स के लिए करते हैं, यहाँ पे सुप्रा स्पिनाटस, इन्फ्रा स्पिनाटस मसल के लिए भी यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इन्फ्रा स्पिनाटस के लिए, हर एक पेशेंट वैसे लग रहेगा इनका यहाँ से यहाँ ही दुख रहा था, इसीलिए यहाँ पे विद्ध नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हम अग्निकर्म करेंगे, सुवर्णशलाका से अग्निकर्म करेंगे, तीन ही पॉइंट, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पेशेंट। अग्निकर्म करते समय अत्यग्र शूले दहेत ऐसा करेंगे, हम मसल के लिए कर रहे हैं, नर्व कॉम्प्रेशन नहीं है इनमें, तो इसलिए नर्व के रूट के थ्रू अग्निकर्म नहीं होगा। विद्ध कर्म हमने तीन ने लैटरली जो तीन पॉइंट है यहीं पे किया है, और अग्निकर्म हम अभी कर रहे हैं। अग्निकर्म करते समय शलाका जो है परपेंडिकुलर टू द स्किन होनी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी शलाका टेढ़ी हो रही थी तो इसको मैंने सीधी की है। अब यहाँ पे एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे हम स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के हिसाब से भी कर सकते हैं, ट्रापेजियस मसल के इनर बॉर्डर के हिसाब से कर सकते हैं, तो हमें जो अप्लाइड एनाटॉमी रहती है मसल की वो यहाँ पे ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये अग्नि है, अग्नि द्रव्याश्रय से दहती, द्रव्य का आश्रय यहाँ पे सूर्यशाला का है और उससे वहाँ पे दहन कर्म हो रहा है। दहन ऐसी जगह पे हो रहा है यहाँ पे हमें नर्व के रूट्स रहेंगे, बेसिकली रूट्स वहाँ इतने ऊपर सुपरफिशियली नहीं रहते, लेकिन हमें जो कंडक्शन की जो हीट है सुवर्ण धातु के थ्रू हमें अंदर लेके जानी है, तो हमें इंस्टेंटली न्यूराइटिस जैसे चेंजेस में हमें फ़ायदेमंद देती है, पेन मैनेजमेंट में फ़ायदेमंद देती है, तो हम कर रहे हैं। दूसरा पेशेंट है, यही पेशेंट में सेम पॉइंट हम कर रहे हैं। अब करते समय विद्धकर्म सीधा गर्दन को हम नहीं करते, जैसे मैंने विद्धकर्म के पॉइंट बताए, और अग्निकर्म करते समय हम डिस्क के लेवल में पैरेलल हम करते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर पेशेंट में वात रक्त है तो हम क्षिप्र से शुरुआत करेंगे, पेशेंट को उन्माद है, एसिडिटी है, स्ट्रेस है, उसके हिसाब से रहेगा तो हम उसके अनुसार विद्धकर्म करेंगे। हमेशा ध्यान में रखना कि स्पाइन में हम निडल नहीं डालते, स्पाइन में इन्वेजो इतना डिटेल में नहीं रहता है, ये सुपरफिशियल ज़्यादा रहता है, अर्धवृही रहेगा, 6 mm तक रहेगा, तो ये बहुत सेफेस्ट प्रोसीजर यहाँ पे है। हर एक पेशेंट का मेडिकल लीगली कंसेंट ली जाएगी, उनको समझाया जाएगा कि इसे क्या क्या करेंगे। विद्धकर्म करते समय हम सिर्फ लैटरली ही विद्धकर्म करेंगे, हम स्पाइन पे निडल नहीं डालेंगे, क्योंकि हर पेशेंट में वो ज़रूरी नहीं रहती है, ट्रैपेजियस के लैटरल बॉर्डर। अब यही तीन बॉर्डर इतनी इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ पे नस्य और बाकी सारी चीज़ करते समय मैंने वाग्भट वाचन में बताया था, ये जो है अग्निकर्म पैरेलली डिस्क के पैरेलली हम अग्निकर्म कर रहे हैं। दोनों का कांस्टेंट गैप, अग्निकर्म करते समय शलाका देखिएगा परपेंडिकुलर टू द स्किन होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो मोमबत्ती, इसका मोम नहीं गिरेगा। मोमबत्ती का इस्तेमाल क्यों करें, बहुत लोगों को लगता है कि हम वहाँ पे कॉटरी इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे हम स्पिरिट लैम्प का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आयुर्वेद में औषधि बनाते समय वहाँ पे लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की है उसके हिसाब से गुणों का वर्णन आया है, तो ये भी यहाँ पे हम स्निग्ध वृक्ष से अग्निकर्म का सुश्रुत संहिता पे वर्णन है। यहाँ पे स्निग्ध अग्निकर्म की अपेक्षा है, क्योंकि वायु के वृक्षत्व से ही दोष उत्पन्न होते हैं और वहाँ पे हमें रूखापन ज़्यादा दिखता है, इसलिए हमें फेशियल आर्थ्रोपैथी या हमें आर्थराइटिस जैसे चेंजेस मिलते हैं, तो वहाँ पे स्निग्ध अग्निकर्म ज़्यादा फायदा देता है। इसीलिए शलाका भी स्निग्ध है, सुवर्ण धातु स्निग्ध है, शीत है, रद्य है, इसलिए सुवर्णशला का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। और ये जो मोमबत्ती है ये भी स्निग्ध है, तो इसका जो अग्निकर्म है तो स्निग्ध अग्निकर्म मिलेगा, तो हीलिंग और रिजनरेशन हमें फास्ट मिलेगा। सुवर्णशला का एंड जो है 4 mm का है, वही एंड क्यों इस्तेमाल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें हीट ट्रांसफ़र करनी है, हमें अंदर तक लेके जाने के लिए गैप, वहाँ पे पैरास्पाइनल मसल का जो हमें गैप मिलता है
वो 4 mm की शलाका से इजीली हम वहाँ तक पास कर सकते हैं। और स्तंभित वायु दूर होने की वजह से पेशेंट को, रुग्ण को इंस्टेंट फ़ायदा होता है।